शहर के बेलतरोड़ी स्थित दी सिहादरी नागरी सहकारी पत संस्था की नई इमारत का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल और राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल के हाथों संपन्न हुआ। इस मौके पर दर्जनों कार्यकर्ता और पत संस्था के सैकड़ों सदस्य मौजूद थे। हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने नागपुर में आयोजित कई कार्यक्रम में शिरकत की है। इसी क्रम में दक्षिण नागपुर के बेलतरोड़ी स्थित दी सिहादरी नागरी सहकारी पत संस्था के मुख्य शाखा की नई इमारत का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल और राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल के हाथों सम्पन्न हुआ। लाल फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर दी सिहादरी नागरी पत संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अरविंद भाजीपाले, उपाध्यक्ष जयश्री भाजीपाले और पत संस्था के सचिव विशेष भाजीपाले और पत संस्था के संचालक कर्मचारी आदि की ओर से भव्य पुष्पहार पहनाकर महानुभवों का स्वागत किया गया। उपस्थित महानुभवों को एक शानदार घड़ी भेंट स्वरूप दी गई। इस मौके पर प्रफुल्ल पटेल और गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल इन्होंने दी सिहादरी नागरी पत संस्था के कार्य की सराहना करते हुए पत संस्था के अध्यक्ष अरविंद भाजीपाले, उपाध्यक्ष जयश्री भाजीपाले और सचिव विशेष भाजीपाले इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं दी है। दी सिहादरी नागरी सहकारी पत संस्था की नई इमारत उद्घाटन कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल, राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, राष्ट्रवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे, पूर्व विधायक दीनानाथ पडोले, पूर्व विधायक राजेंद्र जैन, प्रकाश गजभिये, दिलीप पनकुले और पत संस्था के सभी संचालक सदस्य, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता सहित परिसर के नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। आमचे ज्येष्ठ सहकारी माननीय रमेश बंगसाहेब, राष्ट्रवादीचे नागपूर शहराचे अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे, माननीय प्रकाश गजभियेजी, राजेंद्र जैन आणि या संस्थेचे अध्यक्ष माननीय अरविंद भाजीपाले, सौ भाजीपाले, सर्व मंचकावर उपस्थित मान्यवर, मला त्या सोळा आनंद झाला एका छोट्याशा कार्यक्रमासाठी साहेबांनी नवीन इमारतीचं उद्घाटन माननीय नामदार दिलीप वलसे पाटील साहेब। बेलतरोड़ी से कैमरा पर्सन श्रीकांत के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज नागपुर।